हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है? तो ये कंडीशन है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन होने लग जाता है। कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि कैल्शियम डिपोजिशन होने लग जाना किसी भी ऑर्गन में। इस कंडीशन को प्रोस्टेटिक स्टोन भी कह सकते हैं। और इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि स्मॉल सैक होते हैं जो सीक्रेट करते हैं फ्लूइड यूरेथ्रा में, वो ब्लॉक होने लग जाते हैं और पर्सन को काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हो सकती है। जैसे कि पर्सन को फ्लूइड स्टेग्नेशन हो सकता है, जो यूरेथ्रा है वहाँ से यूरिन आउट होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन स्टेग्नेंट हो सकता है, पर्सन को इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा पर्सन को प्रोस्टेटाइटिस की कंप्लेंट भी हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर ये मिडल एज मैन को होता है, जैसे कि 30 एज या फिर 35 में ये मेल्स को हो सकता है। और ये एक टाइप का बिनाइन कंडीशन है जिसमें ज़्यादा हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर कैल्सिफिकेशन के बाद पर्सन को इन्फेक्शन होने लग जाए तो उन्हें काफ़ी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, यूरिनेशन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन होने का। तो ऐसा देखा जाता है कि प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन के साथ और भी हेल्थ कंडीशंस एसोसिएटेड रहती है, जैसे कि पर्सन को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो सकता है या फिर प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जिन मेल्स को प्रोस्टेट कैंसर होता है उनको भी स्टोन डिपोजिशन हो सकता है। मेन कॉज यही हो सकता है कि अगर किसी पर्सन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कराया है तो ऐसे मेल को इन फ्यूचर प्रोस्टेट में कैल्सिफिकेशन हो सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि लाइम का डिपोजिशन होने लग जाता है और जैसे जैसे टाइम जाता है तो वो डिपोजिशन बहुत सीवियर हो जाता है और नोड्यूल फॉर्म होने लग जाता है, जिसके वजह से पर्सन को सिम्टम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मेल को प्रोस्टेट कैंसर की कंप्लेन है, कोई कार्सिनोमा है या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ चुका है या फिर कोई ट्यूमर की सर्जरी कराई थी, कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, तो ऐसे मेल्स को भी कैल्सिफिकेशन की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा डाइट के वजह से भी हो सकता है, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है या फिर आपका हाइजीन अच्छा नहीं है तो ऐसे लोगों को भी प्रोस्टेट में कैल्सिफिकेशन हो सकता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो अर्ली स्टेजेस में कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं, पर्सन असिम्टमेटिक होता है, लेकिन जैसे जैसे नोड्यूल्स बढ़ने लग जाते हैं पर्सन को सिम्टम आ सकते हैं। और ज़्यादातर जो उनको सिम्टम है वो यूरिनेशन से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि पर्सन की जो यूरिन की स्ट्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, स्लोली स्लोली यूरिन आता है या फिर ड्रॉप वाइज यूरिन आ सकता है। इसके अलावा पर्सन को यूरिनेशन में पेन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है इन्फेक्शन के वजह से। इसके अलावा पर्सन को यूरिनेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें आराम से यूरिनेशन नहीं होता है, या फिर अगर उन्हें यूरिनेशन होता भी है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जलन होती है टॉयलेट में। इसके अलावा ऐसे पर्सन को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेन होती है, उन्हें बार बार अर्ज होती है यूरिनेशन की, बार बार इच्छा होती है, और अगर वो यूरिनेट करते हैं तो उन्हें इनकम्प्लीट यूरिनेशन जैसा फील होता है। इसके अलावा ऐसे मेल को पेन भी हो सकता है और उन्हें पेन लोअर एब्डोमिनल एरिया में हो सकता है या फिर उन्हें पेन ग्रॉइन एरिया में हो सकता है, इनर थाई में स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा मेल्स को पेरिनियम में भी पेन हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को पीनिस में पेन हो सकता है, उन्हें सिम्टम पीनिस में भी आ सकते हैं, उनको जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में उन्हें पेन हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पेन हो सकता है, जब मेल इजैक्युलेट होते हैं तब उन्हें पेन हो सकता है, उनका जो सीमेन है उसका कलर भी चेंज हो सकता है, सीमेन पेल येलो कलर का हो सकता है और इजैक्युलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है।
अब मैं आपको इसके कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर कोई पर्सन प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन का ट्रीटमेंट नहीं कराएगा तो उनको इन फ्यूचर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन यही है कि अगर कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे मेल्स का जो सीमेन की क्वालिटी है वो काफ़ी डल हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा ऐसे मेल्स को इन फ्यूचर इनफर्टिलिटी की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर स्टोन का साइज़ ज़्यादा बढ़ चुका है, कैल्सिफिकेशन इंक्रीज़ हो चुकी है और बॉडी में बहुत ज़्यादा नोड्यूल्स बन चुके हैं, तो ऐसे मेल्स को प्रोस्टेटाइटिस की कंप्लेन हो सकती है। उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप स्टेफिसेग्रिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चीमा फिला 30 या फिर आप पल्सटीला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आप 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।